तो हेलो गाइस, क्या हाल है भाई? सब क्या है? सब बढ़िया होंगे। तो भाई अभी रात के बज रखे हैं 8 और अभी व्लॉग स्टार्ट करना पड़ रहा है क्योंकि अभी मैं जा रहा हूँ मेडिकल स्टोर पर कुछ दवाइयाँ लेने और थोड़ी तबीयत भी ख़राब हो रखी है और सुबह 4 बजे मेरे को निकल जाना है यहाँ से। वो कल ही बताऊँगा कि कहाँ जा रहे हैं हम, कहाँ नहीं। तो भाई अभी टाइम हुआ है सुबह के 3:30 बज रखे हैं। अर्श का फ़ोन आ चुका है कि रेडी हो चुका है। मैं कहा हाँ तो आ जाए मेरे को लेने, मैं रेडी हो चुका हूँ। लेकिन मैं अभी उठा हूँ सो के और अभी करूँगा गरारे क्योंकि गला सा ख़राब हो रहा है। उसके बाद करनी है पैकिंग और फिर नहाऊँगा। तो एक बार जल्दी जल्दी कर लेते हैं कभी वो आ ना जाए। तो भाई टाइम हुआ अभी 6 बज चुके हैं और वो भाई आने वाला है। अर्श तो आया नहीं क्योंकि अर्श को कुछ काम पड़ गया होगा, जो भी है लेट हो रखा होगा। तो दूसरा भाई आने लग रहा है गाड़ी लेके। अभी जा रहा हूँ, मैंने सुबह सुबह भाई सब्जी बना दी है घर वालों के लिए, खम्मा का बनानी ना पड़े, चाय मैंने पी ली और जोत लगा दी। अभी चलते हैं, ताला तुला खोलते हैं। तो भाई बिल्कुल रेडी हो चुका हूँ, कंबल ले लिया मैंने क्योंकि इस कंबल में ना मेरे को नींद नहीं आती और मम्मी सो रही है तो पैर तो मैं कैसे छूँ, बाहर से ही छू लेता हूँ। यहाँ पे सो रही है भाई मम्मी। तो अभी चलते हैं, मम्मी को तो डिस्टर्ब करूँगा नहीं क्योंकि तबीयत ख़राब हो रखी है मम्मी की। तो एक बार ताला तुला खोल लेते हैं। अभी थोड़ा सा आगे बुलाया हूँ, थोड़ा सा आगे चलता हूँ, 4-5 कदम तो नहीं, 40-50 कदम। फोन पकड़। तो भाई मेरे को मिल चुका है सपेला भाई। अच्छा। और अभी हम जा रहे हैं झंडा लेके खाटू श्याम। यही था 200 पैदल कितने किलोमीटर है? 218 किलोमीटर है भाई यहाँ से। पूरी धुंध रखी है, देख सकते हो फोग हो रखी है। इस आराम खोर ने मेरे को सुबह 3:30 बजे उठा दिया और खुद 5 बजे आया। ठीक है, और बाकी अभी चलते हैं, देखते हैं कैसा क्या सफ़र रहेगा। मेरा तो फर्स्ट एक्सपीरियंस है। तो भाई अभी हम पहुँचे घुमनेड़ा। वैसे सनराइज़ हो चुका है लेकिन अभी पेड़ अड़ा हुआ है इसलिए दिखाई नहीं दे रहा। थोड़ा थोड़ी रोशनी आपको दिखाई दे रही होगी, दिखाऊंगा अभी आपको। देख सकते हो आप वो सनराइज़ बढ़िया, किरने लग रही हैं फेस पर, मज़ा आ रहा है। बाकी ये भाई अभी हम आ चुके हैं यहाँ पे नहर के, यहाँ पे बहुत सारे बगुले हैं। अभी चल रहे हैं सीधा और इस तरफ लोग मछलियाँ पकड़ रहे हैं, सकते हो। ये ना मछलियाँ पकड़ रहे हैं यहाँ से। मैंने धौजा लिया नहीं क्योंकि बस हमारी, मैं तो ऐसे घूमने जा रहा हूँ एक किस्म से देखा जाए तो श्रद्धा के उससे। तो अभी चलते हैं सीधा। भैया अभी यहाँ रुके हैं, हम रावता से आगे निकलते हैं। यहाँ पे एक शिविर था, यहाँ पे भाई बढ़िया सेवा वेवा दे रखी है, दूध है, मिठाई है, फ्रूट्स वगैरह सारी चीज़ें हैं। आगे शाम जी है तो अभी यहाँ से दूध वूध पी के 10 मिनट बाद चलेंगे यहाँ से। भाई अभी चलते चलते 15 किलोमीटर बाद आ चुका है कच्चा रास्ता, खेत का रास्ता। कोई दुकान नहीं, कोई कुछ नहीं, सीधा खेत का रास्ता है, इसको बोलते हैं गोंडा टाइप। अभी यहाँ से जाना है। वाई आर यू लाफिंग? तो भाई ये है एम्स हॉस्पिटल मेरे हिसाब से और इसके साइड में ये है पौंड। वो क्या कह रहे, जोड़। अच्छा लग रहा है यार पानी, ठीक है। तो हम ज़्यादा चल लिए इसलिए अच्छा लग रहा है, या ये वाकई में अच्छा है? इसके अंदर मछली भी है। मछली भी है लेकिन पानी गंदा है यार। गंदा इसलिए, वो मिट्टी है उसके नीचे। अच्छा, चल रहे हैं भाई खेतों में से। वैसे उंगली आज ऐसा लग रहा है पैरों की बड़ी बड़ी हो गई हैं, 2 फुट की हो और एक छाला तो हो चुका है पैर में, ऐसे कई मिलेंगे अभी। लेकिन सारे लेकिन एक चीज है भाई, रास्ते में जहाँ भी रुक रहे हैं ना बढ़िया खाने का मिल रहा है। मैं तो सोच रहा था पतला हो गया हूँ, मैंने 6 महीने दूध नहीं पिया था और आज मैंने 2 गिलास दूध पी चुका हूँ। बढ़िया रोस्टेड काजू खा चुका हूँ, कलाकंद भी खा लिया। वो तो मैंने दिनों में पहुंचेंगे आगे। अर्श बता रहा है छोले भटूरे भी मिलते हैं। कह रहा है ना जो द्वारका में नान वाला है वैसा ही यहाँ पे भी नान मिलता है। राजचूर चूर नान। कहाँ तो लिया यार, पैर गिल्ले हो गए सारे। अब आ जाओगे सड़क, यो रदे एक मछली का तालाब, इसमें मछली है। भाई बता रहा है पता नहीं यही पैदा होया था, क्यों होया था आगे, कह रहा मछली का तालाब। मछली पालन कर रहे हैं, खेती हो गया यहाँ मछलियों की। ये भाई बाढ़ वाला एम्स है। हमारा स्टॉप कितना है? हमारा स्टॉप है खलीलपुर। खलीलपुर कितना दूर है यहाँ से? कम 30-35 किलोमीटर हो रहा है अभी। फिर आज रात वहीं काटनी है? आज की रात वहीं कटेगी जनाजन के साथ। जनाजन के साथ ये तेल मस्त होगा, क्यों होगा ये इनका? ये बोए ना रखा, पूरी फसल ही खराब हो गई साला। मछली दिखा ऑडियंस पे, मछली आने तो दे। मछली के मेरी बाट देखा है मैं, अभी आपको मैं मछली दिखाऊंगा। शार्क है यहाँ पे, पिराना भी है 2-3।
अगर इसमें बढ़ गया तो किलो मीटर भी बढ़ेगा। अरे यो तो इसे उड़ा एसजीटी के उड़े भी है मछली नहीं दिखेगी एसजीटी के उड़े भी तो है अभी भाई 17-18 किलोमीटर मिल गई। पूरा गोंडा पार करके अभी रुके हैं यहाँ पे शिविर पे। पैर पता नहीं देखो कैसे हो गए, खून आने वाले हैं। थोड़ी देर हुक्का पियेंगे यहाँ पे भाई। अभी पहुँचे यहाँ पे झज्जर वाले रोड कुंडली मानेसर के आसपास, जगह का तो मेरे को नहीं पता। और रिफ्रेशमेंट के लिए मैंने पानी की बोतल और एक ये लीची का जूस ले लिया। बाकी भाई पूरी सेवा हो रही है यहाँ पे, हर थोड़ी थोड़ी दूर पे सेवा का पूरा वो बना रखा है, प्रबंध कर रखा है। बाकी पैर जवाब दे चुके हैं तो फिर भी अभी देखते हैं कितना परिश्रम और करना है। जहाँ में रात गुजारनी है वो कम से कम नहीं तो 6 घंटे और दूर है। लगातार चलेंगे तो पहुँच जाएंगे शाम तक पहले भले। ये रेल का फाटक हो, ये पटरी वगैरह, तो अभी चलते हैं नॉन स्टॉप जहाँ तक चला जाता है अभी देखते हैं। तो भाई अभी जहाँ रुकना वो 3 किलोमीटर और आगे है। और मेरी चप्पलों ने है ना जो पहन के आया इन्होंने है ना ऐसी तैसी कर दी, देख सकते हो अब पूरी स्किन फाड़ चुका है। और वो भाई यार आगे चले गए जो मेरे साथ थे, मगर मैं बोला यार जाओ तुम, आ रहा हूँ आराम आराम से। टाइम हुआ अभी, टाइम कैसे पता चलेगा, हाँ 12:32 हो गया अभी टाइम। देखो कितने बजे तक पहुँचा जाता है। और भाई खाना तो अभी खाया नहीं है, बट हाँ ये पेट तो भरा हुआ है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं, सुविधा पूरी है। लेकिन दिन में 60-70 किलोमीटर चलना है, देखते हैं कैसे होता है। ये भाई अभी एक शिविर मिला है, इसमें रुकेंगे थोड़ी देर 10-15 मिनट, थोड़ा इस पैर को ठीक करेंगे फिर उसके बाद चलेंगे कहीं। तो अभी इसमें बैठते हैं थोड़ी देर। तो भाई अभी हमने खाना खाया है यहाँ पे, अरे यहाँ पे थोड़ी देर विश्राम कर रहे हैं, रेस्ट कर रहे हैं क्योंकि पैर देख सकते हो आपके कलर भी देखो। तो अभी यहाँ पे लेट हुए हैं, से यहाँ बैठा ये तो लाल हो रखा है। वही बैंडेज तो मैंने लगा दी, देखो ऐसी फैसिलिटीज होती है। सुर पूरा मेडिकल किट वगैरह यहाँ पे, ये वो वहाँ पे खाना वाना था हमने खा लिया है। तो अभी यहाँ से चलते हैं आगे क्योंकि अभी 18 किलोमीटर हो रहा है जहाँ हमें रुकना है रात। 19 किलोमीटर हो रहा है और 4 घंटे का रास्ता है। 4 घंटे में तो हम पहुँच नहीं पाएंगे, 5-5.5 घंटे तो लग ही जाएंगे। तो अभी यहाँ से चलते हैं, खड़ा हो ले रहे हैं वो सफेद लोग। चलो वो भाई टाइम हो रखा 8 बजे रखे हैं और हमने हमको जहाँ रुकना मार चुका है। और यहाँ पे गर्म पानी से पैर सेक रहे हैं हम अपने, बढ़िया गर्म पानी से पूरा सब कुछ दुख रहा है। अभी फिर उसके बाद खाना खाएंगे, उसके बाद सोएंगे आराम से। तो भाई अभी टाइम हुआ है 10 बजे रखे हैं, 10:10 है। और भाई खाना वाना खा लिया, बहुत अच्छी व्यवस्था है, खाने में भी खीर वगैरह सारी चीज़ थी, अच्छे से बैठ के खाना खिलाया। और बाकी सब सो रहे हैं, ये इस पर लस हो रहा है उस तरफ हर्ष हो रहा है। अभी मैं पैरों पे तेल लगाऊंगा, गरम तेल करवाया मैंने, ठीक है। अभी तो इस व्लॉग को ये डे फर्स्ट था पैदल यात्रा का, और इस व्लॉग को यहीं एंड करते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट कर देना।